नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और हमेशा आपके लिए नए नए प्लान्स और डिज़ाइन लाता हो। तो आज भी आपके लिए एक नया प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल्स मैं आपको समझा के बताने वाला हूँ और उसका 3D फ्रंट इलेवेशन भी हमने बनाया है, काफ़ी बढ़िया लुक आया है। तो वह भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, उसका मेजरमेंट आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद में लास्ट में उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने दिए थे, वह भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिले। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है या ना भी पसंद आए तो भी प्लीज़ यह प्लान शेयर कीजिए, यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि यह किसी न किसी को कुछ न कुछ काम आए, क्योंकि हम हर वीडियो में कुछ नया देने की कोशिश करते हैं और सबका चॉइस अलग होता है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, तो सबका प्लॉट का साइज भी अलग होता है। तो प्लीज़ यह वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि यह प्लान किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम आ सकता है। तो काफ़ी बढ़िया प्लान है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ये चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने हज़ारों की तादाद में प्लान्स और डिजाइंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में हम हज़ारों प्लान्स और डिजाइंस यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारा हर वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह चैनल सब्सक्राइब करने की सलाह ज़रूर दें। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वह प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है। तो काफ़ी बढ़िया प्लान है, तो इसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिए। उसका 3D फ्रंट इलेवेशन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ और उसके कुछ कलर ऑप्शन हमने दिए थे वो 3D फ्रंट इलेवेशन के, वह भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। देखिए ये स्टार्ट करते हैं, देखिए इस साइड में हमारा रोड है, देखिए आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर लिखा है, इस साइड में हमारा रोड है और इस साइड में देखिए दूसरों का प्लॉट है, इस साइड में भी दूसरों का प्लॉट है और पीछे की साइड जो है पीछे की साइड में भी दूसरों का प्लॉट है। तो ये छोटा सा प्लान है, 1BHK प्लान है, लेकिन काफ़ी बढ़िया प्लान है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए हम प्लॉट की साइज़ पहले देख लेते हैं, हमारा विड्थ जो है प्लॉट का साइज 24 फीट 7 इंच है, ठीक है। और जो लेंथ है देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो लेंथ है 32 फीट 9 इंच है, ठीक है। मतलब लगभग हम इसको अभी यहाँ पे 33 फीट समझेंगे और यहाँ पे 25 फीट समझेंगे, ठीक है। 25 फीट बाय 33 फीट मतलब 25 बाय 33 का यह हमारा प्लॉट का साइज़ है। उसमें हमने 1BHK प्लान बिठाया है, तो काफ़ी बढ़िया प्लान है। उसका 3D फ्रंट इलेवेशन भी काफ़ी बढ़िया हमने बनाया है, तो यह डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए इस साइड में हमारा रोड है, बाकी की सब साइड हमारी पैक है। तो देखिए इस साइड में हमने 2 फीट का पैसेज छोड़ा है ताकि यहाँ से हमें वेंटिलेशन मिल सके। और पीछे की साइड जो देखेंगे आप, तो पीछे की भी हमने 3 फीट का पैसेज छोड़ा है ताकि इस किचन को वेंटिलेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए रोड से हम जहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा ओटा रहेगा या वरांडा भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे आप, तो एक तो हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं और देखिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे ही हमने स्टेयर्स दिया है जो बाहर से ही है। मतलब हम ऊपर जो फ्लोर बनाएंगे वह रेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ से आ जाएंगे फर्स्ट लैंडिंग पे पहुँच जाएंगे और लैंडिंग से लेकर हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। तो यह हमारा पूरा पार्किंग का एरिया आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जो हमने क्रॉस दिया है और यहाँ पे दो स्टेप्स डाली है, ये इसलिए डाली है कि देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये इसकी हाइट ऊपर जाएगी और इसके बाद में यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे तो और भी हाइट यहाँ से ऊपर चली जाएगी और इसके बाद में फिर से यहाँ पे हाइट ऊपर जाएगी। मतलब हमारा जो 4-व्हीलर है, जो हमारी कार है, तो ये कार पार्किंग जो है लगभग इसके नीचे भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से ही हमारे स्टेप्स ऊँची उठ रही है, मतलब इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, यहाँ से बढ़ती जाएगी तो जो हमारी कार है ये लगभग यहाँ तक पार्किंग हो जाएगी। मतलब हमारे को देखिए आप समझ लीजिए ये 3 फीट का और ये 3 फीट का, लगभग 6 फीट का यहाँ पे हमारा स्टेयर केस का पोर्शन है, ये 3 फीट का है, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है।
और यहाँ से देखेंगे आप तो हमें पार्किंग के लिए जो एरिया मिल रहा है, देखिए 8 फीट 1 इंच है, और इसके बाद में ये 3 फीट भी हम उसे उसमें ही ऐड करेंगे, और ये 3 फीट भी ऐड करेंगे, ये 3 फीट और ये 3 फीट, मतलब ये 6 फीट और ये 8 फीट, तो 14 फीट 1 इंच का हमें यहाँ पे पार्किंग का एरिया मिल रहा है, तो हमारी कार आराम से पार्किंग हो सकती है इसमें। और इसमें जो देखिए इसको जो हमें सपोर्ट के लिए जो कॉलम देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे न देखिए हम ये इस वॉल कंपाउंड में लेंगे, या तो दूसरी भी एक आइडिया हम कर सकते हैं, देखिए यह जो कॉलम है हम इस लेवल में भी ले सकते हैं ताकि हमारे जो पोर्च है ऊपर का उसको भी सपोर्ट हो सके, तो यहाँ पे हम कॉलम लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम हमारी लैंडिंग के लेवल में यहाँ से हम बीम डाल के इस बीम को देखिए इस कॉलम में ऐड कर सकते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा कॉलम ना देना पड़े, ठीक है। तो देखिए यह समझ लीजिए यह जो स्टेप्स है यह ऊंची करना ज़रूरी है। अगर आपको पार्किंग की ज़रूरत नहीं है तो देखिए यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम हमारी स्टेप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से और यहाँ पे हम पहुँच जा सकते हैं, लेकिन यह इसके नीचे का जो पोर्शन है जो हमारे कार के लिए जो पार्किंग के लिए हमें यूज़ करना था, इसलिए हमने यहाँ से हमने स्टेप स्टार्ट किया है। तो देखिए इसके बाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखिए हम हमारा यह मेन डोर है लग रहा है हमारे लिविंग रूम का, और लिविंग रूम का साइज़ जो मिल रहा है देखिए 10 बाय 14 फीट 5 इंच है, मतलब 10 बाय 14.5 फीट का हमारा यह लिविंग रूम मिल रहा है। तो देखिए छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि प्लॉट की साइज़ भी छोटी है और यह प्लान भी छोटा है, मतलब छोटे बजट के लिए, लो बजट के लिए बहुत ही बढ़िया सा प्लान है, छोटी सी फैमिली के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और कम बजट में यह पूरा प्लान हो जाएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन बहुत ही कम बजट में हो सकता है। तो देखिए लिविंग रूम का हमें 10 फीट बाय मतलब 10 बाय 14.5 का हमारा लिविंग रूम आ रहा है, उसके बाद में जहाँ पे जा रहे हैं तो देखिए यह हमारा जनरल टॉयलेट बाथरूम आ रहा है जो कॉमन है, देखिए इसका साइज़ जो है 6 फीट 10 इंच बाय 3 फीट 6 इंच है, मतलब लगभग 7 बाय 3.5 का हमारा यह बाथरूम आ रहा है, उसको देखिए इस साइड में हमने 2 फीट का पैसेज छोड़ा है, तो देखिए हमारा वेंटिलेशन यहाँ से उसको मिल रहा है, और उसके बाद में देखिए WC है 4 फीट बाय 3 फीट, मतलब जनरल साइज़ है, तो इसको देखिए वेंटिलेशन यहाँ पे है, तो काफ़ी बढ़िया सा है। देखिए लिविंग रूम से हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो एक बाथरूम भी यूज़ कर सकते हैं, WC भी यूज़ कर सकते हैं, हमें किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ये किचन के लिए एंट्री है हमारी, यहाँ पे हम डोर नहीं डालेंगे, ये आर्च रखेंगे या ओपन ही रखेंगे। तो देखिए किचन का साइज़ जो मिल रहा है हमें 10 फीट बाय 11 फीट है, मतलब 10 बाय 11 का हमारा किचन मिल रहा है हमें, और देखिए यहाँ पे जो पीछे जो है हमने 3 फीट का पैसेज छोड़ा है, और यहाँ पे हमारा डोर भी रखा है, मतलब ये जगह है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये वॉश एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात इस पे ध्यान रखिए, देखिए यह जो क्रॉस किया है यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्लैब डालेंगे तो हमारी वेंटिलेशन दब जाएगा, क्योंकि पीछे की साइड में हमारा प्लॉट नहीं है, इस साइड में भी हमारा प्लॉट नहीं है, तो हमें वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी स्लैब नहीं डालेंगे, ये डायरेक्ट ओपन टू स्काई रहेगा, तभी हमारा ये किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से वापस आ रहे हैं हम किचन से, तो देखिए हमारे बेडरूम में एंट्री करते हैं, तो बेडरूम जो है हमारा देखिए 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का है, मतलब लगभग 11.25 बाय 10 का हमारा यह बेडरूम आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है, छोटी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया साइज़ है, और छोटा प्लान है, कम बजट में है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बेडरूम मिल रहा है। और बेडरूम को भी देखिए टॉयलेट बाथरूम बहुत ही नज़दीक है, किचन को भी बहुत ही नज़दीक है, और हमारे लिविंग रूम को भी नज़दीक है, और जो स्टेयर केस है वो बाहर से है, तो देखिए ऊपर का फैमिली जो है हम रेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया प्लान है, छोटी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया है, डबल फ्लोर के लिए भी बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, रेंट के हिसाब से भी यह दे सकते हैं। तो देखिए यह ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्लान था, आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में समझ में आया है, और इसका देखिए हमने ऊपर जो है ऊपर एक रूम बनाया है, देखिए ये लिविंग रूम जो है लिविंग रूम को ही हमने एक छोटा सा बेडरूम बना दिया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, तो और उसमें ही देखिए एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, एक तो ये भी कर सकते हैं या सेम प्लान रिपीट कर सकते हैं हम, देखिए लिविंग रूम भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो अभी के लिए यहाँ पे एक बेडरूम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने देखिए ये सेम प्लान भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक बेडरूम दिया है, और इसको देखिए यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम जो है वही साइज़ में यहाँ पे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसको भी अटैच कर सकते हैं अगर आपको यह बेडरूम बनाना है ऊपर, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी वो 3D फ्रंट एलिवेशन में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे हमने एक रूम लिया है वो बेडरूम है, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है, तो 3D फ्रंट एलिवेशन के लिए भी देखते हैं, वो अभी समझ लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह प्लान शेयर कीजिए। तो देखिए यह दोस्तों यहाँ पे यह जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह वो डिज़ाइन है जो प्लान हमने बताया था, उस पर यह पूरा फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया है, तो काफ़ी बढ़िया लुक है, छोटा सा
छोटा सा प्लान है लेकिन काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। देखिए छोटा सा, एक छोटा सा हाउस है लेकिन काफ़ी बंगलो टाइप में लुक आ रहा है, तो बढ़िया सा है और कम बजट में भी यह पूरा हो सकता है। हमने कहा था, देखिए यहाँ पे एक हमने रूम लिया है बेडरूम, तो यहाँ पे हमने यह बेडरूम भी लिया है। तो पहले डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए हमने कहा था कि आपको यहाँ पे हमारा रोड है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो इस ओटे पे आ रहे हैं, और इस साइड में भी हमने 2 फीट का पैसेज छोड़ा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक कॉलम दिया है, अगर यह कॉलम हम ना भी दें तो देखिए यहाँ से हम बीम निकाल के इस कॉलम को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। हम हमारा कॉलम जो है यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ से हम रोड से हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो इस साइड में देखेंगे तो हमें हमें 2 फीट का हमने पैसेज छोड़ा है सामने फ्रंट में। और इसके बाद में देखिए हम यहाँ पे ओटे पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारी कार पार्किंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ प्लान में आपको समझाया था कि यह जो स्टेयर है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऊपर से हम यहाँ पे उठेंगे, तो हमारी कार जो है, देखिए कार पार्किंग जो है सीधी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। तो कार पार्किंग यहाँ पे हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे हमारी कोई भी, यहाँ पे हमारी कार मतलब आराम से बैठ जाएगी। देखिए इस साइड में हमारी कार बैठ जाएगी और यहाँ पे हमारे जीने से कोई भी जो स्टेयर केस है इससे हमें कार पार्किंग के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी हाइट है यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम एक तो लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं, देखिए हमारा ये लिविंग रूम का डोर दिख रहा है आपको, और फिर फर्स्ट फ्लोर की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए ये स्टेयर्स है जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है, और यहाँ से देखेंगे आप तो देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पे देखेंगे तो हम हमारा यह डोर हमें मिल रहा है, तो यह जो डोर है हमारी गैलरी में आ रहा है देखिए। और इसके बाजू में जो डोर दिख रहा है आपको, यह हमारी बेडरूम का डोर है, क्योंकि लिविंग रूम के ऊपर देखिए हमने यह बेडरूम बनाया है, तो यह यहाँ पे हम बेडरूम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस बेडरूम को भी देखिए बढ़िया सा लुक दिया है, यह पूरा बॉक्स हमने बनाया है, लगभग 1 फीट 3 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 3 इंच है, और बाहर जो निकला है लगभग 1 फीट के आसपास हमने इसको बाहर निकला है, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। देखिए इस बॉक्स की वजह से देखिए बहुत ही बढ़िया सा लुक नज़र आ रहा है, और इसके बाद में देखेंगे आपको तो देखिए यहाँ पे जो है ये तो बॉक्स हमने बना दिया है, इस पे देखिए यहाँ पे एक छज्जा लिया है। इसका जो विड्थ है, देखिए ये बॉक्स का जो विड्थ है हमें 1 फीट 3 इंच का बताया है आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बॉक्स हमने बनाया है। और यहाँ पे देखिए यह छज्जा लेंगे हम लगभग 1.5 फीट का या 1.25 फीट का, 1 फीट 3 इंच का भी ले सकते हैं, 1 फीट 6 इंच का भी बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे ओरिजिनल मुझे मतलब रियल भी प्लांट लगा सकते हैं या आर्टिफिशियल भी प्लांट लगा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यह भी छज्जा है, यहाँ पे हमारा बेडरूम का विंडो है, और यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे ग्रूव दिया है, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है इस पर, हमने यह वुडन कलर्स दिया है, ठीक है, और ये कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यह कलर दिया है। और इसके बाद में देखेंगे आप तो देखिए नीचे जो है हमने पूरा वॉल टाइल्स यूज़ किया है, यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया टाइल्स दिया है, देखिए आप नज़दीक से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आ जाएगा। और वॉल कंपाउंड जो है वो सिंपल सा दिया है, देखिए सिंपल सा दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे यह प्लांट्स है, ठीक है, यह प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं। और इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे स्टेयर का जो हमने यह टावर लुक दिया है, देखिए फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ग्लास लगा दिया है, और इसमें देखिए यह हमारे डोर है जो यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद में हम बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने एक पूरा छज्जा दिया है, तो ये लगभग देखिए यहाँ से पीछे नीचे का जो थिकनेस है ये 6 इंच है, उसके बाद में ऊपर का भी 6 इंच है, बीच में जो लगभग 2 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 1 फीट का हमारा यह छज्जा है, 1 फीट थिकनेस है उसका, यहाँ पे 1 फीट 3 इंच का है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 9 इंच का है, मतलब 9 इंच का है यहाँ से यहाँ तक। और कॉलम जो है देखिए मैंने आपको बताया था, कॉलम जो है हम ये जो यहाँ पे जो कॉलम है इसकी सीधी लाइन में देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम रहेगा, ठीक है। और ये कॉलम जो है हमने ये डिज़ाइन में हाइड कर दिया है, मतलब देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉलम रहेगा, उसके बाद में हमने यहाँ पे उसको ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करके उसको साइज़ बढ़ा दिया है, तो यह जो साइज़ है लगभग 2 फीट का है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप तो फिर से हमने ये 2 फीट का गैप छोड़ा है देखिए बीच में, और उसमें देखिए यह फ्रेम्स लगा दिया है, या स्टील का फ्रेम भी बना सकते हैं आप। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 इंच या 9 इंच या 10 इंच का यहाँ पे हमारा फिर से एक कंस्ट्रक्शन का पिलर आता है, तो देखिए यह पूरा लुक जो है काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आ रहा है।
यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप तो देखिए यार 9 इंच का फिर से हमने यहाँ पे अंदर थोड़ा सा अंदर कंस्ट्रक्शन छोड़ के यहाँ पे 9 इंच का फिर से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब ये ब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे देखिए ये 30 बाहर निकाली है, ये राफ्टर जैसे है। उसके बाद में देखिए ये पूरा ग्रिल है, जो हमारा स्टील का भी ग्रिल यूज़ कर सकते हैं और या आयरन का भी ग्रिल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह सिंपल सा बॉक्स बनाया है, तो यह पूरा ब्रिक में बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा आपके होम को देखिए छोटा सा नाम भी दे सकते हैं। तो इस टाइप में यह सिंपल सा यह प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान है। इसके कुछ एलिवेशन भी कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वह भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो टावर पे देखिए यह सिंपल सा हमने डिज़ाइन बनाया है, तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। देखिए यह पूरा प्लास्टर में आप बना सकते हैं या तो कलर में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह सिंपल सा हमने डिज़ाइन बनाया था, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, बहुत सारे लोगों को यह पसंद आया है। इसके कुछ कलर्स भी देख लेते हैं। देखिए पीछे की जो है विंडो देख रहे हैं आप, यह विंडो जो है हमारी, यह हमारी बेडरूम का विंडो है, ठीक है। और क्योंकि इस साइड में हमने 2 फीट का पैसेज छोड़ा है, तो इस टाइप में यह सिंपल सा कॉर्नर का प्लान नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। बहुत ही कम बजट में देखिए यह पूरा प्लान बैठ सकता है। देखिए इसका बजट जो है आज के डेट में लगभग 14 से 15 लाख तक हो सकता है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। आप क्या मटेरियल कैसा यूज़ कर सकते हैं, कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 14 से 15 लाख में यह पूरा प्लान हो सकता है। जो रेगुलर रेट है, रेगुलर के हिसाब से यह काफ़ी बढ़िया सा 15 लाख तक आराम से हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जब रेंडरिंग होने के बाद देखिए पूरी क्वालिटी यहाँ पे पूरी पिक्चर नज़र आ रही है, बहुत ही बढ़िया प्लान नज़र आ रहा है, काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन भी है। देखिए कलर भी बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हुआ है। और यह देखिए 15 लाख में आराम से यह प्लान हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आज के डेट में। और ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए यह आउट ऑफ इंडिया में कौन सी रेट में जाएगा वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इंडिया में देखेंगे आप तो लगभग 15 लाख तक यह काम हो जाएगा कंप्लीट। इसका ये कलर ऑप्शन दिया था हमने, उसके बाद में देखेंगे आप तो फिर से एक कलर ऑप्शन दिया है। देखिए यह भी बढ़िया सा कलर ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आ रहा है। और इसके यहाँ पे देखेंगे तो आप, यहाँ पे हमने एक लाइट्स दिया है, एलईडी लाइट्स, यहाँ पे भी एक एलईडी लाइट दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो इससे तो काफ़ी बढ़िया देखिए पूरा लुक जो है बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। और इसके बाद में फिर से एक कलर ऑप्शन दिया था, देखिए यहाँ पे भी एक कलर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया देखिए यह पूरा डिज़ाइन जो है पूरा हटके दिख रहा है। और एक यहाँ पे भी एक कलर ऑप्शन है, देखिए यह कलर ऑप्शन थे। तो इस टाइप में यह सिंपल सा प्लान था, आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। तो आपको अगर यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके, हमारा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो शेयर करेंगे तो हम बहुत बहुत सारे लोगों तक तो पहुँच जाएंगे, तो हम बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे। तो देखिए हम बहुत सारे लोगों तक हमारे प्लान्स और डिज़ाइन पहुंचा सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप यह प्लान यह वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल पर लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि दूसरों की भलाई में हमारी भलाई छुपी होती है। तो प्लीज़ दूसरों की भलाई के लिए यह प्लान और यह वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका कीमती वक्त आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।